हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आज मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप में मल्टी फ्रेमिंग इफेक्ट इन फोटोशॉप। तो सबसे पहले आप फाइल मेन्यू में जाकर न्यू फाइल बना लें और मैं इसका नाम दे देता हूँ मल्टी फ्रेम इफेक्ट और ओके कर देता हूँ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से मैं पेंट बकेट टूल को सेलेक्ट करेंगे और जो फोरग्राउंड कलर है इसे मैं यहाँ से वाइट की जगह ब्लैक कर दे रहा हूँ और इस पे लेयर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फोरग्राउंड जो हमारी लेयर है वो पूरी ब्लैक हो जाएगी, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन में जाएंगे। मैंने यहाँ पे इमेज ओपन करी है सेशंस की, आप कोई सी भी इमेज ओपन कर सकते हैं और इसे इम्पोर्ट करा लेंगे। कंट्रोल टी के साथ इसे बड़ा कर देंगे थोड़ा और एंटर मार देंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी जो ब्लैक लेयर है मैं इसे थोड़ी देर के लिए अनविजिबल कर रहा हूँ। जो आप आई देख रहे हैं, आई इंडिकेशन, इसे मैं हटा दे रहा हूँ तो इन दोनों लेयर्स पे से। तो आप देख सकते हैं ये हमारी लेयर पहले की तरह ट्रांसपेरेंट हो गई है। फिर उसके बाद एक न्यू लेयर बनाएंगे, उसे मैं नाम दे देता हूँ एफ वन यानी फ्रेम वन, और इस पर हम रेक्टेंगल मार्क सेलेक्शन टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसमें चार ऑप्शन आते हैं फ्रेंड्स, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का और एक चौथा ऑप्शन है इंटरेक्ट विथ सिलेक्शन। तो हम तीसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट फॉर्म सिलेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब उसके बाद फ्रेंड्स, हम ब्रश टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो हमारा फोरग्राउंड कलर हमने ब्लैक करा था उसे फिर से हम वाइट कर देंगे और ब्रश टूल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर चलाएंगे तो हमारा जो हमारा बीच का बॉर्डर है, सिर्फ जो लाइन बनी है बीच में, उसी में हमारा ब्रश चलेगा, बाकी जगह हमारा ब्रश नहीं चलेगा क्योंकि वहाँ तक ही हमारा सिलेक्शन है। अब हमें इस सिलेक्शन को हटाना है तो फिर से हम रेक्टेंगल मार्क सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इसका मतलब होता है न्यू सिलेक्शन, और लेयर के किसी भी हिस्से पे आप क्लिक करेंगे तो हमारा वो सिलेक्टेड एरिया हट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम F1 लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम ब्लेंडिंग ऑप्शन हमें दिख रहा है सबसे ऊपर, उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसमें ड्रॉप शैडो देंगे। यहाँ से जो उसका ब्लेंड मोड है इसे हम नॉर्मल कर देते हैं, इसके ऊपर से 100% कर देते हैं, और जो उसका एंगल है मैं इसका एंगल यहाँ पे 48 करता हूँ और इसमें हल्का सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे। यहाँ पे मैंने 14 डिस्टेंस इसका बढ़ा दिया है और ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फ्रेम की तरह इफेक्ट आ गया है, शेडो ऐसा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसकी चार डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे कंट्रोल जे के साथ, 1 2 3 4, हमने इसकी चार डुप्लीकेट कॉपी बना ली है और हम इन डुप्लीकेट कॉपीज पे नाम दे देते हैं। सबसे पहले मैंने दूसरे को नाम दिया F2 यानी फ्रेम 2, उसके बाद F3, F4 एंड F5। तो हमारे पास फ्रेंड्स ये 5 फ्रेम हो गए हैं। अब हम इन 5 फ्रेम्स को अलग अलग रख लेंगे। सबसे पहले ऑटो सेलेक्ट लेयर पे हम हटा देंगे टिक, ताकि हम जिस लेयर पे सेलेक्ट करें हमारा वही फ्रेम उठ के आए। हमारा फर्स्ट फ्रेम पे सेलेक्ट है, हम सेकंड वाले फ्रेम को हटाएंगे, हमने इसे साइड में कर दिया। उसके ऊपर जो थर्ड फ्रेम है उसे भी हमने साइड में कर दिया और जो हमारा फोर्थ फ्रेम है उसे नीचे ले आएंगे और जो फिफ्थ फ्रेम है उसे भी नीचे ले आएंगे। और अब हम इन फ्रेम्स को रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम F1 फ्रेम को सिलेक्ट करा हमने और कंट्रोल टी दबाएंगे और इसके साइड वाले कॉर्नर में जाएंगे। यहाँ पे आपको एक मार्क दिख रहा है राउंड का, उस पर डबल क्लिक करेंगे और इसे फ्रेम को हम रोटेट कर देंगे आसानी से, आप देख सकते हैं, और एंटर मार देंगे और ऐसे ही सेकेंड फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे।
एंटर मार देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो सेशंस वाली लेयर को अनविजिबल करा था उसे विजिबल कर लेंगे और हम सेट कर लेंगे इन फ्रेम्स के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हैं मैंने इस फ्रेम सेशंस वाली लेयर को सेट कर लिया इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फ्रेंड्स हम जो हमारे F1 वाला जो फ्रेम है उसे लेयर है उसे सबसे ऊपर रख लेंगे टॉप पे। उसके बाद उसके नीचे F2 लेयर, फिर F3 लेयर, फिर F4 एंड F5। तो हमने यहाँ पे सीरीज से लेयर्स रख लिए हैं F1, F2, F3, F4 एंड F5। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से एसेंशन वाले लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा एरिया है एक्स्ट्रा जो फ्रेम से बाहर है उसे हम डिलीट इरेज कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो हमने सबसे एंड वाली लेयर जिसपे हमें ब्लैक कलर रहा था उसे भी हम विजिबल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पूरे एरिया क्लीन हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से ऑटो सेलेक्ट लेयर पे टिक कर देंगे ताकि हम एक एक करके सब फ्रेम सेलेक्ट कर सकें। हमने सबसे पहले हेजल फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा F3 फ्रेम है। फिर से इरेज टूल लेंगे और जो इसके अंदर का एरिया उसे हम इरेज कर देंगे। उसके बाद इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा F2 फ्रेम है। इसके अंदर का जो एरिया है उसे हटा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा F4 फ्रेम है और इसके अंदर का जो एरिया उसे भी हटा देंगे। एंड एंड में ये वाला फ्रेम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा F5 फ्रेम है और इरेजर टूल लेके इसके अंदर का एरिया हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा फोटो मल्टी फोटो फ्रेमिंग इफेक्ट बन चुका है और अब हम इसे सेव कर देंगे। मल्टी फोटो फ्रेम इफेक्ट सेव। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।